अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है आपको पता ही है, इसको हिंदी में केंद्रीय बैंक कहते हैं। और हमारे देश का जो है सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि जितने भी नोट वगैरह है, ठीक है, एक रुपए के नोट को छोड़ के और सिक्कों को छोड़ के बाकी सब जो करेंसी जो इशू की जाती है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही इशू की जाती है, ठीक है। अब जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी कंट्री का अपेक्स बैंक होता है। अपेक्स यानी कि सुप्रीम बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी बैंक है, बाकी सारे जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक है उनका भी बैंक है, ठीक है। कभी आपने ये देखा है कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो लोगों के साथ डीलिंग कर रहा है, पब्लिक डीलिंग कर रहा है? नहीं सुना ना। अब आपने कभी देखा है कि आस पड़ोस में भी जो है किसी से ये कहते हुए सुना हो कि हम सेंट्रल बैंक के साथ जो है अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं कॉमर्शियल बैंक की जगह? ऐसा नहीं होता ना। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया। सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स एंड रेगुलेट एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब इसमें बताया गया है कि कंट्रोल करने का काम, उसको ऑपरेट करने का काम, रेगुलेट करने का काम, यानी कि पूरे बैंकिंग जितने भी बैंकिंग होता है, ठीक है, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो भी है, सारे के सारे बैंकों के ऊपर, सभी के ऊपर अपना क्या रखता है? कंट्रोल रखता है, ठीक है, सभी को बताता है, सभी को गाइडलाइन इशू करता है। अब ये भी बताता है कि किस टाइम लोगों को ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल कराना चाहिए, किस टाइम अवेलेबल नहीं कराना चाहिए, किस टाइम जो मनी है वो मार्केट में ज्यादा सप्लाई होनी चाहिए, किस टाइम कम सप्लाई होनी चाहिए। अभी आप इसमें सीखोगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ठीक है। अब ये और क्या बताता है? मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब मैंने जो बताया है ना कि हाँ भाई कब जो है क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल कराना है, कब नहीं कराना, कब ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट देना है, तो अभी आप उन सभी टर्म्स के बारे में सीखोगे। अब जो है हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अब आगे जो है इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक तो वही है जहाँ पे हम लोग डीलिंग करते हैं जाके, ठीक है, जैसे पीएनबी है, एसबीआई बैंक है, ठीक है। आप देखिए इसमें मीनिंग में क्या बताया गया है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन डेट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अभी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हम बैंक में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? वहां पे अपने पैसे जमा कराते हैं, पैसे निकलवाते भी हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, अगर किसी को लोन लेना हो तो वो भी लोन भी लेते हैं वहां से, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन डेट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रांटिंग लोन। अब ये क्या काम करता है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जब लोगों को जरूरत है उसके डिपॉजिट दे भी देता है, और क्या काम करता है? लोन देने का भी काम करता है, और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां से उसको प्रॉफिट हो। अब आगे जो है सेंट्रल बैंक में हम ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके मीनिंग में, एन अपेक्स बॉडी डेट कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट एंड डायरेक्ट अ कंट्रीज बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी पूरी की पूरी जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जितने भी ओवरऑल जो इंडिया के अंदर बैंक्स वगैरह होते हैं या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो यही काम करता है, सभी को रेगुलेट करने का काम, बैंकिंग स्ट्रक्चर को। आगे क्या है? ओनरशिप। अब आपने देखा होगा कि ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं ना, लेकिन अब जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट की ही ओनरशिप होती है और किसी की नहीं। द सेंट्रल बैंक इज यूजली ऑन एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे क्या है? इश्यू टू करेंसी। आप कभी सुना है कि हाँ भी कॉमर्शियल बैंक जो है करेंसी इशू कर रहा है? करेंसी तो कौन इशू करता है? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक डज नॉट हैव द पावर टू इशू करेंसी। अब इसके पास जो है वो पावर है, द सेंट्रल बैंक हैज अ सोल मोनोपोली, यानी कि सिर्फ इसके ऊपर ही इसका एकाधिकार है ऑन इशू ऑफ करेंसी, सिर्फ करेंसी यही इशू कर सकता है। आगे क्या है? नंबर ऑफ बैंक है, तो बहुत सारे है, पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बहुत सारे बैंक है ये तो, ठीक है। देर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन अ अकाउंट अ कंट्री। एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है, बहुत सारे बैंक है। अब लेकिन इसमें क्या है, तो एक ही बैंक है हमारे देश का, ठीक है, हर एक देश में एक ही बैंक होता है। अब सेंट्रल बैंक हमारे देश में कौन सा है? आरबीआई। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें बता रखा है कि पब्लिक डीलिंग किसकी होती है, किसके साथ होती है? पब्लिक डीलिंग। अ कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक। ये कमर्शियल बैंक तो डायरेक्टली जो है डील करती है पब्लिक के साथ, हम लोग करते हैं डील जाके। अब आगे क्या है? जो सेंट्रल बैंक डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक, ये जो है पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, ये तो बैंकों के साथ, गवर्नमेंट के साथ ऐसे डील होती है, इसमें पब्लिक के साथ कोई डील नहीं होती, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में, तो फटाफट से भी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।